अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फाह मिर्जा, सीईओ एंड फाउंडर एट सबासॉफ्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हुए कैसे आप खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए अर्न कर सकते हैं। तो आज जो उस इंटरव्यू के लिए मेहमान हस्ती बुलाई है, अली शेर काशिफ साहब। अली शेर काशिफ साहब मेरे क्लासमेट्स भी रह चुके हैं पास्ट में, और अभी जो है उन्होंने 2011 से 17 तक एंड्रॉयड डेवलपमेंट की है, और उसके बाद जो है अभी वो ट्रेन एज ए जो है टीम लीड काम कर रहे हैं कॉमसेट्स के सॉफ्टवेयर हाउस में। बाकी की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी से। तो अली भाई, थोड़ा सा जो है अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बता दें कि स्टडी आपने क्या किया, उसके बाद एंड्रॉयड डेवलपमेंट कहाँ से सीखी और इसके बारे में, और अब क्या कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अब्दुल वहाब मिर्ज़ा साहब कि आपने मुझे इनवाइट किया। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का जो वंडरफुल जर्नी रहा है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट या कोई भी स्टूडेंट सुनते हैं या कोई भी भाई सुनते हैं, तो उनके लिए कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। अच्छा, ये बेसिकली मैंने FSC की थी परी मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज सहीवाल से। यहाँ से फिर क्या हुआ कि मैं जस्ट एक चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि आई बिलीव इफ यू कैन ड्रीम देन यू कैन अचीव इट। कि शुरू से ही मेहनती थे, हार्ड वर्किंग थे। तो जब FSC कर रहा था तो यही था कि हम लोग आगे चल कर प्रोफेसर बनेंगे कॉलेज के अंदर। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है कि अल्लाह सुबहाना व तआला आपको जहाँ चाहते हैं ना वो ले जाते हैं, वो आपको गाइड प्रोवाइड करते हैं। एक तो हमारी अपनी होती है कि यार हम ये काम करेंगे तो ये होगा। अच्छा, FSC जब कर लिए उसके बाद हमने UET के ख्वाब देखा करते थे। UET के लिए गए, एंट्री टेस्ट दिया, वहाँ पर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, एंट्री टेस्ट में कुछ कम मार्क्स आ गए, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो क्या हुआ कि फिर ये OSP आउटरीच स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ गया गवर्नमेंट की तरफ से। उसके लिए कुछ हमने ट्रेनिंग ली 3-4 वीक, और उसके बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस्लामाबाद के अंदर BS टेलीकॉम के अंदर एडमिशन हो गया। अच्छा, जब वहाँ पर एडमिशन हो गया तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, प्रोफेशनल लाइफ भी सीखने को मिली। हमने ना दुनिया ना सिर्फ बनी बल्कि कुछ दीन भी, यानी पढ़े लिखे लोगों के साथ आपका वास्ता हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब BS कंप्लीट हो गया और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ का था, अब ये था कि चूज करनी थी इंडस्ट्री। अच्छा, एक चीज़ है, या तो आपका खुद से मोटिवेशन होती है, पर्पज़ होता है, ठीक है। अगर पर्पज़ नहीं है ना तो फिर क्या है कि आप लोग कंसल्ट करें जो कि प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब वेलकम पार्टी हुई थी उधर, डॉक्टर आफ्ताब मारूफ था जो कि डायरेक्टर थे फास्ट के, उन्होंने कहा था कि बेटा जो BS टेलीकॉम है ये सेचुरेट हो रही है, आप ऐसे करें कि CS को चूज करें। तो हमने कहा नहीं जी, हम तो टेलीकॉम इंजीनियर ही बनेंगे। जब टेलीकॉम से हम लोग पास आउट हुए, BS हुआ 2011 के अंदर, तो वाकई सेचुरेशन हो चुकी थी। अब हमारे लिए ये था कि अब हम क्या करें। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट के फास्ट की एडमिनिस्ट्रेटर को, वो इतना ज़बरदस्त बताते हैं, उसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग स्किल्स की हुई हैं, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज किए हुए हैं, तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए कि हम लोग क्या करें कि CS की फील्ड में आ जाएँ, कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को चूज़ कर लें। अच्छा, जब BA ग्रेजुएशन हो गई तो उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ, यानी कि फ्रॉम माई कोर ऑफ हार्ट कासम भाई का और साध भाई का, कि उन्होंने एज अ टाइटेनियम डिवेलपर मुझे समार इनोवेटिव लैब्स में डिवेलपर रखा। ये एक स्टार्ट था, जाहिर सी बात है आपको स्टार्ट कहीं से मिलना होता है। तो टाइटेनियम पर काम करते रहे, आपको पता है क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, टाइटेनियम को ऑक्सीलेटर भी टूल भी कहते हैं, ठीक है। तो वो तकरीबन साल करते रहे, उसके बाद जनाब आया टाइम एंड्रॉयड डेवलपमेंट का। तो ये दोनों एंड्रॉयड भी हो सकता था और आईफोन iOS डेवलपमेंट भी हो सकती थी, लेकिन मैंने कहा नेटिव की तरफ स्विच करते हैं। टीम लेट्स सी के जो सॉफ्टवेयर था उसकी भी डिमांड थी कि हम नेटिव डेवलपमेंट करें, और मैं भी सीखना चाह रहा था कि जाहिर सी बात है एक टूल पर आप जब साल 1.5 साल काम कर लेते हैं तो फिर आप स्विच करना चाह रहे होते हैं कि नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो उस वक्त इक्लिप्स होता था, तो इक्लिप्स पर काम शुरू करना शुरू किया। और ये सीखा कैसे, ये साध भाई ने गाइड किया, कुछ हमें प्रोजेक्ट्स मिल गए, लेट्स सी उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी थी, ठीक है, वो किया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक ज़रूरी, यानी कि जब ये समार इनोवेटिव लॉ शिफ्ट हो गया कासिम भाई, तो मुझे MS कंटिन्यू करना था। MS मैंने किया, NS
सीख से सीएससीएस के अंदर, ठीक है। तो मुझे वहाँ पर स्टडी कंटिन्यू करनी थी, तो इसलिए मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ा। वहाँ पर सिग्नल सॉल्यूशन में मैं कुछ अर्सा काम किया, अराउंड अबाउट 6 मंथ। तो उसके बाद मैं मर्क्यूरी माइंड्स में किया, जहाँ के बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रूमिंग हुई मेरी। और वहाँ पर मैंने अमेजोन पर काम करता रहा, स्टोर पर काम किया, प्ले स्टोर पर, आईट्यून्स पर काम किया, एंड्रॉयड स्टूडियो पर भी काम करता रहा, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रोजेक्ट टीम लीड हो गया, ठीक है। और उसके बाद यूनिटी पर भी कुछ काम करने को मिला, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी फ्रेश ज्वाइन करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को, तो वो कम अज़ कम ये आप हमारा एसेट्स होते हैं, आप तकरीबन जो है ना 1 से 2 साल लर्निंग पर फोकस करें। अर्निंग हो जाएगी, पहले आप लर्निंग करें, जब लर्निंग हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह साथ साथ अर्निंग भी हो जाएगी। ये थी मेरी जी एक स्टोरी जो कि मैं चाह रहा था कि शेयर करूं कि हम लोग कैसे मिडिल क्लास से अल्हम्दुलिल्लाह चलते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। कि ये जस्ट एक तो होता है बंदा, ड्रीम्स भी थे कि हम लोग सही वाले में पढ़ूँ, फिर मेरा ड्रीम था कि मैं लाहौर में या इस्लामाबाद में पढ़ूँ, अल्लाह ने वो पूरा किया। फिर फास्ट यूनिवर्सिटी और फिर नस्ट यूनिवर्सिटी और फिर कॉम सेट्स, ये 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रैंक में है। माशाल्लाह अली भाई बातों की तरफ से भी और जो है एक्शन वाइज भी माशाल्लाह आपकी बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी है। अच्छा अली भाई देखें, आपने टेलीकॉम इंजीनियरिंग की, तो इससे कम से कम ये तो दिखता है, ऑब्वियसली मिडिल क्लास में ये भी होता है कि आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सो इतना ज्यादा आपके पास जो है वो कह लें कि मेन्यू भी नहीं, ऑप्शन मेन्यू भी नहीं होता कि आप जो है वो चूज कर सकें, ठीक है जी। तो लेकिन टेलीकॉम के बाद आप एंड्रॉइड में ही क्यों आए, मतलब iOS डेवलपमेंट भी थी, इसके अलावा क्या नाम है गेम डेवलपमेंट भी थी और वेब डेवलपमेंट भी थी, तो उसके बाद जो है आपने एंड्रॉइड ही क्यों चूज किया? जी थैंक यू। अच्छा वो ये था कि लेट्स सी, जब कासिम भाई ने मुझे कॉल की थी तो उन्होंने कहा हम आपको एप्स लेटर यानी कि ना डेवलपर रहना रखना चाह रहे हैं, टाइटेनियम डेवलपर, ठीक है। तो उस वक्त क्रेज था कि यार क्योंकि टेलीकॉम का था इसलिए कुछ एक्सपीरियंस भी कम था, इतना नहीं था इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, कहीं से स्टार्ट करते हैं। जब एप्स लेटर पर टाइटेनियम पर काम करना शुरू किया तो फिर साथ जो डेवलपमेंट हो रही थी हमारे साथ, एंड्रॉयड डेवलपमेंट थी और एंड्रॉयड गैजेट्स पर हम यूज़ कर रहे थे, तो मुझे जहरी सी बात एक दफ़ा हेलो वर्ड आप कर लेते हैं थोड़ा सा जब एमुलेटर रन करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम था, ठीक है, लैपटॉप था, हम लोग यानी कि मैक iOS को नहीं कर सकते थे कि उसको अफोर्ड करें, आईफोन को अफोर्ड करें। तो ये था कि हम लोगों ने बस एकदम, मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो कुछ ट्राई करते हैं नया, तो एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया, यूट्यूब से कुछ चीज़ें देखी, तो इसलिए यानी कि ना ये था कि वो थोड़ा सा मिलता जुलता था, तो इसलिए मैंने कहा एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। और फेम था एंड्रॉयड उस वक्त 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज था एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, काफ़ी मांग थी, ठीक है। तो फिर ये ऐसा ऐसा अब भी है, लेकिन वो जो क्रेज था वो थोड़ा सा कम हुआ है इसके अंदर। तो अली भाई ने आपने रिसोर्सेज कौन से यूज किए थे लर्निंग के लिए, मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखने के लिए? आया कोई ऑनलाइन जो है चैनल यूज किया या कोई कोर्स किया, या किस तरह आपने जो है सीखा? और आप जो है उसके बाद जूनियर्स को क्या रिकमेंड करेंगे, दोनों को, अगर किसी ने डिग्री की हुई और किसी ने डिग्री नहीं की तो वो भी? चले वो बाद के दो सवालों को बाद में जवाब देते हैं, सबसे पहले कि आपने कैसे लर्न किया एंड्रॉइड? अच्छा थैंक यू। अच्छा वो ऐसा था कि मैंने गूगल डॉक्यूमेंटेशन पर गया, ठीक है। एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके लिए आसानी रहती है। यूट्यूब पर भी मैंने सर्च किया है, ठीक है। और जो पहला प्रोजेक्ट मैंने किया है, प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं प्रोफेशनल के अंदर, वो कुछ प्रोजेक्ट बना हुआ था, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी थी, ठीक है। तो आपको पता है कि दूसरे के कोड को समझना थोड़ा सा आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो पहले कोड को समझा, फिर उसके अंदर यानी कि एडिशन की, मॉडिफिकेशन की और कमेंटिंग की और ये सारी चीज़ें। तो सबसे मैं कहूँगा कि जो आपका टीम लीड होता है वो आपकी लेटिंग प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक बेस्ट रोल प्ले करता है। तो वो साथ भाई थे और साथ भाई से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस था कि वो जनाब जावा की कोडिंग कर रहे हैं और बस उन्होंने कहा कि ये करना चाहिए, उन्होंने जल्दी से कोडिंग की और किया और वो उसका आंसर आ गया। तो ये मैं बस बहुत इंप्रेस था, तो इसलिए मैंने कहा कि यार एंड्रॉयड स्टूडियो भी सीखना चाहिए, जावा पर भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो मेन चीज़ यूट्यूब के चैनल्स भी देखे हैं, ठीक है, जो मुझे लगता था कि यार ये आसान है। देख हर एक अपनी लेट्स सी के सीखने की सलाहियत होती है, एबिलिटी है कितनी है। जो मुझे लगा लेट्स सी कुछ मैंने
इंग्लिश फॉरनर्स के भी देखे हैं, कुछ पाकिस्तानी इंडियंस के भी देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, लेट्स सी आप कह रहे हैं कि रिकमेंड करना चाहिए, तो आप यूट्यूब पर जाएं, ठीक है। आप लोग दो तीन चैनल को सर्च आउट करें, लेट्स सी जो आपको जिसका वे अच्छा लगे, ठीक है। हम रिकमेंड तो कर देते हैं कि यार ये वाला जो है ना चैनल बहुत अच्छा है, इससे हमने सीखा है, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी अबिलिटीज वो पूरा ना कर सके, इसलिए आप सर्च करें जो आपको अच्छा लगे। फिर ऐसे कि तीन चार आपको जो पसंद आते हैं उनमें से जाएं, बताएं कि सर ये में से बताएं, हम आपको रिकमेंड कर देते हैं कि यार ये वाला चैनल बहुत अच्छा है और ये प्रोफेशनली वो आपको करवा रहा है। माशाल्लाह साथ में ई कोडिंग से जो है वो हम सारे इम्प्रेस थे, आप खाली इम्प्रेस नहीं थे माशाल्लाह। O7 में कम ही उनके लेवल के कोडर थे। अच्छा अली भाई, जी ये तो हो गया कि आपने एक डिग्री की हुई थी, शायद कुछ सब्जेक्ट्स पे रिलेटेड जो है किए हुए थे, तो आया कोई ऐसा बंदा जिसने डिग्री ना की हो, उसके लिए पॉसिबल है एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना, और है तो कैसे है? अच्छा जी, वहाँ भी ऐसा है कि लेट्स सी अगर वो इधर प्रोग्रामिंग वाली साइड पर आना चाह रहे हैं ना, आजकल आपको पता है कि 6th 7th के बच्चे भी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दें, लेट्स सी के बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, जो वो प्रोग्रामिंग के कोर्स कर ले, डाटा बेस का कोर्स कर ले, डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स कर ले, ये तीन चार कोर्सेज हैं। अगर उसने डिग्री नहीं भी की हुई तो वो इन हो सकता है, ठीक है। तो बाकी आपकी लेट्स सी के हार्ड वर्क है आप लोग, ये एक चीज मैंने और नोट की है कि आप लोग काम करते रहे, सीखते रहे, क्योंकि नई नई चीजें आ रही हैं। अगर लेट्स सी आप उसको डेवलपमेंट को छोड़ जाते हैं, आप कुछ रिलैक्स करते हैं 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए, तो जो कोडिंग स्किल्स होती हैं आपकी वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, और लेट्स सी के नई नई चीजें आ रही होती हैं, इसलिए हमें सीखते रहना चाहिए। तो मीन के कर सकता है बंदा थोड़ा सा, लेट्स सी अगर थोड़ा सा हार्ड वर्क हो। और तीन कोर्सेज मैं रिकमेंड करूंगा, प्रोग्रामिंग 1, ठीक है, उसके बाद ऊप है, और डाटा स्ट्रक्चर है, और डाटा बेस है। ये फोर कोर्सेज ऐसे अगर जो बंदा कर लेता है तो इजीली प्रोग्रामिंग कोई भी, लेट्स सी वो जावा करना चाह रहा है, सी शार्प करना चाह रहा है, सारी सीख सकता है। एक लेट्स सी आपकी नेटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, बाकी लैंग्वेज सीखी जा सकती है। अली भाई, कोई आप चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब यूनिटी सीखने के लिए कोई आपको याद हो जाओ इजी हो? मतलब देखें, हमारी ऑडियंस तो यूजली होगी पाकिस्तान से होगी, इंडिया से होगी, उर्दू स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग जो है, तो ऐसी ऑडियंस के लिए इजी ट्यूटोरियल्स हों जो वो अगर अपनी, ऑब्वियसली कोडिंग तो अल्टीमेटली करनी है आपने इंग्लिश में ही होती है, लेकिन फिर भी अगर अपनी जबान में सीखने को मिल जाए तो जो है जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। तो कोई ऐसा चैनल, और अगर बाहर का भी कोई इजी चैनल है, मतलब कुछ होते हैं कुछ बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो अगर कोई चैनल हो तीन चार आपकी रिकमेंडेशन के लिए। जी बिल्कुल, वाह, मैं आपको कर दूंगा। तीन चार चैनल्स देखे हैं मैंने, पाकिस्तानी भी और बहुत अच्छा है, और फॉरनर भी देखे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे उनको याद नहीं। तो मैं ऐसा करूंगा कि आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप भी जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको एडजस्ट कर दीजिएगा, तो वो इंशाल्लाह उससे काफी हेल्पफुल हो जाएगा, एंड्रॉइड स्टूडियो से रेलिवेंट, ठीक है। और एक आदमी को जो है, एक तो YouTube हो गया, और कौन कौन से चैनल है ऑनलाइन जो जिससे वो सीख सकता है अभी भाई? दूसरा ये कि YouTube एक हो गया, Facebook पर भी आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है, और ब्लॉग्स हैं काफ़ी अच्छे, उससे मिल सकते हैं आप लोग, ठीक है। WhatsApp के भी चैनल बने हुए हैं, ठीक है। तो मेन के जिसमें क्रेज होगा ना सर, वो इजीली सीख सकता है। मेन के व्हाट्सएप को ग्रुप्स को ज्वाइन करें, और फेसबुक आप अक्सर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब है, और मैं सबसे ज़्यादा जो है ना वो रिकमेंड करूंगा डॉक्यूमेंटेशन, एंड्रॉइड स्टूडियो की जो डॉक्यूमेंटेशन गूगल वालों ने प्रोवाइड की वो बेहतरीन चीज़ है, कि आपको साथ साथ बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ सीखना नहीं होता, आपको टेक्निकल पता भी होना चाहिए कि यार मैं क्या करने जा रहा हूँ, इंटेंट्स क्या हैं, फिल्टर्स क्या हैं, फ्रेगमेंट्स क्या हैं, एक्टिविटीज क्या हैं, ठीक है, सर्विसेज क्या हैं, रोड का रिसीवर्स क्या हैं। लेट्स सी पहले हम सर्विसेज यूज़ करते थे, तो अभी रेट्रोफिट आ गई हुई है, वॉली आ गई हुई है, ये चीज़ें किस लिए यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें ना सर जी आप लोग लेट्स सी यूट्यूब से या फिर गूगल की डॉक्यूमेंटेशन जो एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए है वो बेहतरीन चीज़ है। ठीक ठीक है। अच्छा अली भाई, ये तो हमने ऑनलाइन मेथड डिस्कस कर लिए है, तो कोई आपको फॉर्मल चैनल का भी पता है, लाइक मतलब इस्लामाबाद लाहौर में कोई एकेडमी हो या कोई डिप्लोमा करवाने वाला हो जो बेहतर करवा दे, तो आया कोई इस तरह के, ये मतलब यूनिवर्सिटी में कोई डिप्लोमा हो रहा हो या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट करवा रहा हो, और आया अगर वो करवा रहे हैं तो आप समझते हैं कि उनकी इतनी वर्थ है कि उनको एज कंपेयर टू ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए? जी अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अब्दुल वहाब मिर्जा साहब के जो लेट्स सी के प्रोफेशनल ट्रेनर हैं उनके पास, ठीक है, वो तो बेहतरीन है। आज
फिर मैं कहूँगा कि जो वेबसाइट्स हैं विजिट की हैं, ये खान अकेडमी थी मेरे ख्याल में और इस तरह की, वो बहुत अच्छा करवा रही हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेनर पर डिपेंड करता है कि वो ट्रेनर कैसे हैं। जस्ट ये तो नहीं है कि जस्ट वो आप इनरोल हो गए हैं वे हैं, ठीक है, और उन्होंने अब कैश यानी बिजनेस बनाया हुआ है, तो वो थोड़ा सा है। ये मेरे ख्याल में दोनों एंड पर है कि उधर से टेक्निकल स्किल्स अच्छे प्रोफेशनल्स हों, लेट्स सी ट्रेनर हो, और दूसरी तरफ से इधर से लेट्स सी अगर उसने डिग्री की हुई है, अगर नहीं की हुई है और वो मोटिवेशंस रखता है उसका लेट्स सी लाइफ अचीव करना चाह रहा है, तो वो हो सकती है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल हैं ऐसी अकेडमीज जो कि अच्छा परफॉर्म कर, हमारे इधर टेक स्टेप है यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त अच्छा काम करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो हैं अकेडमीज, हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपको पता है तो आसान कि आप जस्ट घर में बैठे हैं और इंटरनेट आपको और एक लैपटॉप से ही कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है वहाँ पर। आप कहीं फंस जाते हैं तो आपको सर्च करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप सर्च करते हैं और सर्च में अच्छे हो जाते हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको प्रोफेशनल अगर गाइडेंस मिल जाए कोई करवाता है, तो फिर वो तो बहुत बेहतरीन है कि आप लोगों को जस्ट डन। जी अच्छा, आपके ओवरऑल इस रिप्लाई से तो अली भाई मेरे जहन में यही समझ आती है कि आपका जो मेन फोकस है वो ऑनलाइन की तरफ ही है, कि ऑनलाइन ही कोशिश करें, यही आपका अल्टीमेटली जो है बिगनर से एक्सपर्टीज में जो है हेल्प करेगा। जी वहाँ पर देखें, हम इधर ट्रेनिंग करवाते हैं ना, सॉरी मैंने शायद पहले नहीं बताया कि मैं इधर कॉम से सॉफ्टवेयर हाउस में ट्रेनर हूँ, ठीक है, कॉम से यूनिवर्सिटी सही इस्लामाबाद कैंप सही वाले कैंपस में, ठीक है। तो हम बच्चों को जस्ट चैनल्स प्रोवाइड करते हैं कि यार ये आप लोगों ने लेट्स सी फायर बेस के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, तो ये टास्क परफॉर्म करें, ठीक है। वो करते जाते कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 50 से 60% लोग खुद कर लेते हैं, कुछ को लेट्स सी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो मैं जाता हूँ, हाँ जी कहाँ पर आपको इश्यूज आए हैं, तो वो बता रहे हैं सर ये इशू आ रहा है, ठीक है, तो वो करवा देते हैं और वो जल्द यानी कि वो सीख जाते हैं। तो जाए कि मैं बैठूँ और साथ साथ मैं उनको टाइपिंग करवा रहा हूँ और साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है, आप ओवरव्यू देते हैं एक जो भी टॉपिक करवाना चाह रहे हैं उसको ओवरव्यू दें और उनसे कहें चलें जी आप खुद इसको ट्राई करें, ठीक है। तो मेन चीज हमें एट द एंड अब आप भाई आना ऑनलाइन ही पड़ेगा, जितने कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं आपको पता है तो वो ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं, जिससे यानी कि ना हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे आप फॉरेन से यानी कि ना डिग्रीज ले रहे हैं, तो ये ऑनलाइन को हमें एट द एंड अडोप्ट करना पड़ेगा। सही है, सही, यानी कि ऑनलाइन ही जो है वो वे है आगे बढ़ने का फ्यूचर में। ठीक है। अच्छा अली भाई, जो है जी एक जी बंदा सीख लेता है तो आपके ख्याल में इस टाइम जो है करंट सिनेरियो में, ऑब्वियसली आपके स्टूडेंट भी होंगे वो भी एंड्रॉइड के लिए शायद कुछ जॉब के लिए ढूंढ रहे होंगे, या जिन सॉफ्टवेयर हाउसेस में आपने काम किया उनमें आपको जरा अंदाजा होगा, इस टाइम जो है एंड्रॉयड की मार्केट कैसी है, सेचुरेटेड है या अभी आया जो है उसमें एबिलिटी है टू टेक मोर स्टूडेंट्स? जी अब्दुल वाह मिर्जा भाई, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि जॉब्स हैं, आपके पास स्किल है, जो स्किल है उसकी जॉब है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, ठीक है, तो जॉब्स नहीं है इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये लेट्स सी आपने सीख लिया है, ठीक है, आप लोगों को मैं देखता रहता हूँ अक्सर, यानी कि मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जहाँ पर हम पोस्ट करते रहते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो की भी जॉब्स आ रही हैं, ठीक है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस चाहिए लोग, ठीक है, फ्रेश बहुत काम है लेकिन एक्सपीरियंस के लिए आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। हमने भी यही चाहे कि जो कॉम से सॉफ्टवेयर हाउस है वो हम बच्चों को तकरीबन इतना ट्रेन कर दें कि उनके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, बेसिक चीज़ें और टेक्निकल नॉलेज उनके पास हो, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं अभी, क्यों कि मैं समझता हूँ जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो ऐसा सेचुरेट हो रहे हैं, लेकिन लेकिन आपके पास अपवर्क है, आपके पास फाइवर है, ठीक है, तो ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप जस्ट सर्च करें अपवर्क के ऊपर हाईली पेड एंड्रॉयड डेवलपर हैं और दूसरा फाइवर के ऊपर इतनी ज़्यादा यानी कि ना लोग वहाँ पर पे कर रहे हैं जी, तो मेन के जॉब्स हैं अभी तक सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर। लेकिन हमें आप देखें ना जॉब्स, अच्छा एंड्रॉयड हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, आप लेट्स के एयरप्लेन टिकट की बात करते हैं तो आप घर बैठे आप यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग की बात करते हैं तो यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी जो उन्होंने डिजिटलाइज होना है, एंड्रॉयड फ़ोन उन्होंने यानी कि गैजेट्स पर आना है, चाहे वो एंड्रॉयड हों, चाहे वो लेट्स सी टेबलेट्स हैं, चाहे वो आईफोन है, ठीक है, तो हमें ये वाली जो लेट्स सी एंड्रॉयड स्टूडियो की वर्थ है ना वो रहेगी, लेकिन इसके अंदर हमें चाहिए कि हम बिग डाटा को यूज़ करना शुरू कर दें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना शुरू कर दें अपनी एप्स के अंदर, तो इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो
तो अली भाई, एक कोई फ्रेश स्टूडेंट होता है, उसने जो है ना वो डिग्री मतलब डिग्री कर ली, और डिग्री से जो है एंड्रॉइड कुछ पढ़ा या कुछ उसने कोर्स कर लिया, ऑनलाइन पढ़ लिया, तो उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए उसको मार्केट में जाके, के जो है ना क्या सैलरी जो है ऑफर हो रही है? मैं ऑब्वियसली एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हम नहीं बात कर सकेंगे, एक रेंज होती है जो एक मार्केट में चल रही होती है, तो आपके ख्याल में क्या जो है वो मार्केट में रेंज चल रही है? वहाँ पे ये जो सैलरी रेंज है ना, ये यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उसने अच्छी यूनिवर्सिटी से लेट्स सी की डिग्री की हुई है, ठीक है, और उसने इंटर्नशिप भी लेट्स सी कौन से सॉफ्टवेयर हाउस से की हुई है। ठीक है, अगर लेट्स सी जस्ट उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और लेट्स सी कॉमसेट्स है, फास्ट है, नस्ट है, जीकी है, ठीक है, या पंजाब यूनिवर्सिटी है, ऐसे यूनिवर्सिटी से अगर उसने किया हुआ है, तो ये तकरीबन एक्सपेक्ट कर सकता है कि 20,000 30, ये रेंज जो एवरेज है वो 25K प्लस है, 25,000 प्लस का वो उसको करना चाहिए, इतना वो इजीली कर सकता है। ठीक है, और हायर एंड पे 50-60 तक लग जाती है, मतलब अगर को बहुत अच्छा डेवलपर हो नेक्स्ट। जी, अगर उसका लेट्स सी के मैं ये उसको फ्रेश की बात हो रही थी, अगर लेट्स सी उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है, या उसने साथ साथ उसने इंटर्नशिप भी किसी अच्छे सॉफ्टवेयर उसमें कर ली हुई है, ठीक है, तो वो 35, 40, 40 प्लस की रेंज में जा सकता है वो बंदा। ये जो है ना, हम मैं समझता हूँ कि जो बच्चे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं, एक तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गाइड करता चाहूँ कि आप जिस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, चाहे वो एंड्रॉयड है, वेब है, आपकी डिजाइनिंग इतनी सॉरी आईओएस डेवलपमेंट है, ठीक है, एक्सकोड की डेवलपमेंट है, उसमें जाना चाह रहे हैं, तो प्लीज FYP भी वही चूज करें। होता क्या है कि अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो उनका लेट्स सी के इंटरेस्ट है जी एंड्रॉयड की तरफ, तो उन्होंने जो FYP किया होता है वो वेब डेवलपमेंट का किया होता है, तो वो जो 6 महीने या साल का एक्सपीरियंस होता है वो उसको हम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट हो गया और वो आपका लेट्स सी एक्सपीरियंस भी वेस्ट हो गया। तो इसलिए FYP वो चूज करें जिसको आगे आप प्लीज परसू करना चाह रहे हैं, उसको आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जिसका एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, तो वो 40 प्लस की रेंज में जा सकता है। ठीक है। और अली भाई, एक तो सैलरी की बात होगी, और उसको किस तरह के डोमेन में जाना चाहिए, लाइक अब ऑगमेंटेड रियलिटी भी है, VR भी है, जो है AI भी ऐड हो रही है, तो किस जो है स्पेसिफिकली एंड्रॉयड में भी किस साइड पे आज जाना चाहिए, सर्वर मास्टर ऐप्स पे जाना चाहिए, मास्टर सर्वर ऐप्स पे जाना चाहिए, तो इस तरह की कौन सी ऐप्स पे जाना चाहिए? अब्दुल मिर्जा साहब, आप जो अभी फील्ड्स आपने मुझे गिनवाई हैं, ये सारी डिमांड के अंदर है, चाहे ऑगमेंटेड रियलिटी है, चाहे लेट्स सी के दूसरी कौन सी थी मुझे याद नहीं, VR तो ये सारी अभी यार वर्चुअल रियलिटी जो है ना, और लेट्स सी के बिग डाटा है, ये सारी की सारी डिमांडिंग में है। ठीक है, जो कन्वेंशनल कोडिंग थी हम उससे थोड़ा सा निकलना चाहिए हमें, ठीक है, जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई नई लैंग्वेजेस आ रही हैं, जो उसके अंदर लेट्स सी के कोई भी चेंजेस आती है, तो उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमें हाईली पेमेंट मिले, हमें हाईली पेड डिवेलपर हो, तो उसको हमें नई नई टेक्निक सीखनी चाहिए। ये तो ये तीनों चारों मैं ये देख रहा हूँ कि ये हाईली पेड हैं, ठीक है, और ये नई भी हैं एक तरह। जी अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आए हमारे पास। तो दोस्तों, आपका कोई भी एंड्रॉयड से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जो है पेस्ट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका जो है जवाब दे सकें। बाकी अली शेर काशिफ भाई का हमारे पास आने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो तो जो है सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें, और बेल के नोटिफिकेशन पर जो है क्लिक करके कर दें, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस मिलती जाए। हमारे इस चैनल पर बार बार आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।